दुनिया भर के लोग प्रोफेशनल जॉब या फिर सरकारी नौकरी करते हैं और उस दौरान वो कड़ी मेहनत भी करते हैं। भारत जैसे देश की बात करें तो यहाँ पर सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। आप कितनी भी बड़ी प्राइवेट फर्म में काम करें जहाँ पर आपकी सैलरी लाखों रुपए में हो, लेकिन वहीं अगर सरकारी नौकरी की बात होती है तो फिर लाखों रुपए की प्राइवेट जॉब भी उस सरकारी नौकरी के आगे जीरो ही होती है। स्वागत है आपका जब गजब में और मैं हूँ मेघा। नमस्कार। ब्राजील की एक कंपनी ने महिलाओं के लिए एक अजीबोगरीब नौकरी की वैकेंसी निकाली है। ये नौकरी सिर्फ औरतों के लिए है और इसमें मोटी सैलरी भी दी जाएगी। और चलिए अब आपको बता देते हैं ये नौकरी है क्या। दरअसल इस वैकेंसी का नाम है लॉयल्टी इंस्पेक्टर। इसके लिए बकायदा टेस्ट और इंटरव्यू भी लिया जा रहा है। और मजेदार बात तो ये है कि इस पोस्ट के लिए बहुत सारी औरतों का सिलेक्शन हो भी चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस जॉब का नाम इतना अजीब है उसमें काम आखिर क्या करना होगा, तो आपको हम बता दें इसमें आपको कोई काम नहीं करना है। आपको कंपनी की तरफ से एक शख्स का नाम और पता दिया जाएगा, बस आपको उस शख्स की वफादारी यानी कि लॉयल्टी चेक करनी है कि वो अपने परिवार या अपने पार्टनर के साथ कितना लॉयल है। मुझे लगता है इस तरह का काम करना तो महिलाओं के लिए क्या आदमियों के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जब कोई शादी करता है, शादी के लिए दो परिवार सामने आते हैं, तो जिस परिवार में लड़की की या फिर लड़के की शादी होती है उसके आसपास जो लोग रहते हैं, उसके पास पड़ोस, उसके गांव, सभी लोगों की अच्छे से परख की जाती है, पता किया जाता है कि ये लड़का या फिर लड़की हमारे परिवार के लिए सही है या नहीं। और काफ़ी खोजबीन करने के बाद, काफ़ी जासूसी करने के बाद तब जाके कहीं शादी होती है। खासतौर पे हमारे भारत में इस तरह से रिश्ते बहुत ज्यादा होते हैं। अब तो जमाना बदल गया है और लोग अपने आप ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लेकिन अगर इस पोस्ट की हम बात करें, इस नौकरी की बात करें, तो इसमें महिलाओं को मर्दों का लॉयल्टी टेस्ट करना होगा। ये लड़कियां इस कंपनी के जरिए किसी की गर्लफ्रेंड या फिर किसी की पत्नी की तरफ से हायर की गई होती हैं। वो पहले टारगेट किए हुए शख्स के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाती हैं। इसके सबूत के तौर पे वो चैट्स, मैसेजेस या फोटो भी जो उन्हें हायर करता है उन्हें भेजती हैं। इसके बाद आता है कि वो मर्द आपके साथ, वो शख्स आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, इसकी जानकारी भी वो अपनी क्लाइंट को देती हैं। इस जॉब में उनकी क्लाइंट भी महिलाएं होती हैं, यानी जो हायर कर रहा है वो भी महिलाएं और जो काम कर रहा है वो भी महिला। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि एक केस स्टडी के हवाले से बताया गया है कि 22 साल की एक महिला ने बताया कि उसके पास इस नौकरी का ऑफर आया और उसने पहली बार ये काम किया था और इस काम के लिए काफी मोटी तनख्वाह भी ऑफर की जाती है। फिलहाल इस नौकरी के बारे में पढ़ के लोग जमकर बातें भी कर रहे हैं। ये बात तो बाहर की थी। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि अगर हमारे भारत में इस तरह की कोई वैकेंसी निकाली जाएगी तो क्या वो यहाँ पर सक्सेसफुल रहेगी या नहीं। ऐसी ही अजीब स्टोरीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।